हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास बघेल और आज मैं आपको बताऊंगा लोमोटिल टैबलेट के बारे में। दोस्तों, जो लोमोटिल टैबलेट है वो डायरिया की कंडीशन को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। डायरिया यानी कि अगर किसी को बहुत पतले पतले दस्त आते हैं, क्रोनिक डायरिया की दिक्कत है, तो उसको यह ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। बहुत ही आसानी से आपको ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी और बहुत ही सिंपल सी एक दवा है। इसके अंदर दो साल्ट पाए जाते हैं। पहले नंबर पर इसके अंदर डाइफेनोक्सिलेट हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है, वहीं दूसरे नंबर पर इसके अंदर एट्रोपिन पाया जाता है। इन दोनों को आज मैं पूरी तरह से डिटेल में बताऊंगा, इसका इस्तेमाल कैसे बॉडी पर किया जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, कितनी मात्रा में आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इसका इस्तेमाल करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में आज हम जान लेते हैं। दोस्तों, जो डाइफेनोक्सिलेट हाइड्रोक्लोराइड साल्ट होता है वो एक ओपोइड एनाल्जेसिक होता है, यानी कि आप इसे पेन के अंदर भी ले सकते हैं, फीवर के अंदर भी ले सकते हैं। लेकिन इसका मेन काम होता है जो हमारी आंतें होती हैं उनकी गति को यह कंट्रोल करता है। जब आपकी आंतें अच्छी प्रकार से काम करेंगी तो जो पेट के अंदर पड़ा हुआ मल है वो धीरे से निकल जाएगा, आराम आराम से निकलेगा, जैसे कि आपको जो पतले पतले दस्त की शिकायत है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दूसरे नंबर पर दोस्तों, जो एट्रोपिन होता है वो एक एंटीकोलेजेनिक ड्रग होता है, यानी कि जो ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में दिया जाता है। ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं जब किसी का हार्ट रेट या फिर जो हार्ट बीट होती है कम होती है, ऐसी कंडीशन में एट्रोपिन दिया जाता है। लेकिन यह डायरिया में कैसे काम करता है, चलिए आज मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ही दोस्तों किसी को पतले पतले दस्त होते हैं या फिर किसी को क्रोनिक डायरिया की कंडीशन होती है, उसे लोमोटिल टैबलेट देते हैं। इसमें जो डाइफेनोक्सिलेट होता है वो आंतों की अच्छी प्रकार से गति करता है और जो आंतों के अंदर पड़ा हुआ मल है वो धीरे धीरे निकल जाता है। एट्रोपिन इसलिए डाला जाता है ताकि बहुत ही कम साइड इफेक्ट हो, साइड इफेक्ट की जो मात्रा हो वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। एट्रोपिन इसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में डाला जाता है, लगभग 0.25 मिलीग्राम की मात्रा में प्रेजेंट होता है। बात करते हैं इसके सावधानियों के बारे में, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करे, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। प्रेगनेंसी में कभी भी लोमोटिल टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पर इस कंडीशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जो भी फ्लूइड्स वगैरह होते हैं जैसे कि नारियल पानी हो गया, आप इसका सेवन करें, अच्छा पानी पिएं, गंदा पानी बिल्कुल ना पिएं, इससे आपकी बॉडी का हेल्थ अच्छा रहेगा। इस टैबलेट को आपको कभी भी शराब के साथ सेवन नहीं करनी चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे 2 से 5 साल की उम्र तक के, तो डॉक्टर की सलाह पर इस टैबलेट का इस्तेमाल करें, अधिक इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, इसके कुछ साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को पेशाब में काफ़ी ज़्यादा जलन देखी जा सकती है, या दस्त को ठीक करता है तो दस्त ठीक होने के बाद कब्ज की बीमारी भी हो सकती है, कुछ लोगों के स्किन पर रैशेस भी पड़ जाते हैं। इसके अलावा पेट के अंदर हल्का मीठा दर्द भी हो सकता है, जीभ मिचलाने की शिकायत भी हो सकती है। ऐसा कुछ साइड इफेक्ट हर किसी इंसान के अंदर नहीं देखे जाते, लेकिन कुछ लोगों के अंदर देखे जा सकते हैं। बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो दोस्तों, इसकी डोज बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कुछ खाने के बाद आपको एक टैबलेट ज़रूर लेनी चाहिए, सादा पानी की मदद से लें, किसी और चीज़ की मदद से आपको इसे लेना नहीं है। और 2 या 3 टैबलेट एक साथ लेने की गलती ना करें, वरना कब्ज की बीमारी लग सकती है। 1 टैबलेट सुबह के समय, 1 टैबलेट शाम के समय, खाना खाने के बाद सादा पानी से आपको लेना चाहिए। यह आपके क्रोनिक जो दस्त की प्रॉब्लम हो चुकी है उसको ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी लोमोटिल टैबलेट के बारे में पता चल सके और वो अपनी शिकायतों को दूर कर सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।